इस वक्त आपको वज़ीराबाद से अहम तरीन न्यूज़ से आगाह करते चलें। वज़ीराबाद उमरा के लालच में सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स लूट गए। मुलज़मों ने वज़ीर सेहत का नुमाइंदा ज़ाहिर करके लेडी हेल्थ वर्कर से रकम हथिया ली। जी हाँ, मुतासरीन का एफ आई ए दफ्तर के सामने एहतजाज जारी है। एफ आई ए ने मुकदमा दर्ज करके बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी है। नौसरबाजों ने अस्पताल की हेल्पलाइन 1034 का इस्तेमाल किया। दो चार माह पहले से एक नौसरबाज ग्रुप है जो बहुत एक्टिव हुआ हुआ है और हमारी सरकारी जो हेल्पलाइन 1034 है उससे वो लेडी हेल्थ वर्कर को पंजाब भर गुजरांवाला समेत से कॉल्स करते हैं और उनको कहते हैं कि आपका उमरे का टिकट निकल आया है और आपको कोरोना मशीनें दी जाएंगी। ये मोहतरमा यास्मीन राशिद की तरफ से आपको पैकेज दिया जा रहा है, तो आप कुछ पैसे भी दे दें। और बार बार उनको उन्होंने कॉल्स की डिस्टर्ब किया और चूँकि ये कॉल्स हमारे जो फ्री एम्बुलेंस सर्विस वाली हेल्पलाइन है वहाँ से आती थी, इसी वजह से हमारी लेडी हेल्थ वर्कर जो है इनके झांसे में आ गई और इसी तरह उन्होंने उनसे हज़ारों लाख रुपया बटोर लिया। मेरी वज़ीर आला पंजाब से मिनिस्टर साहिबा से ये रिक्वेस्ट है कि इस नौसरबाज ग्रुप को पकड़ा जाए, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और हमारी मासूम और गरीब लेडी हेल्थ वर्कर को जो उनकी लूटी हुई रकम है वो वापस दिलाई जाए। 34 से बार बार कॉल्स आ रही थी कि आपका उमरा पैकेज में नाम निकला है, आप उसके लिए कुछ आपको रकम जमा करवानी होगी, लेकिन मैंने कहा अभी मैं नहीं दे सकती। मैंने कहा फिर आपके खिलाफ आपको क्या इशू है, आपको ये पैसे बाद में मिल जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने ये पैसे ना जमा करवाए तो आपकी इंक्वायरी लगेगी, आपको नौकरी में बहुत ज़्यादा आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। तो फिर हमने इस वजह से उनको पैसे जमा करवा दिए। तो अब हमारी अपील है आप लोगों से कि आप हमारे लुटे हुए जो पैसे हैं वो हमें वापस दिलवाएँ। शुक्रिया।